नमस्कार, मैं हूं गोपाल और आप देख रहे हैं साइंस एकेडमी। साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। अब आगे आपको प्रत्येक प्रकार का सवाल बताया जाएगा। चैप्टर ख़त्म होने के बाद आपको इसका मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलते हैं सवाल नंबर एक पर। सवाल नंबर एक है, 4:13 समान अनुपात 64:60। यानी कि आपको पीछे पढ़ाया गया था कि 4 अनुपात दिया जाएगा, 4 में से 3 रहेगा और 1 का वैल्यू निकालना होगा। तो लीजिए, आ गया सवाल। तो समान अनुपात क्या है? 4:13 समान अनुपात है 64:60। इस वाट का वैल्यू निकालना है। आप पहले सीख चुके हैं इसको कैसे निकालते हैं। 4/13 बराबर में 64/वाट करेंगे। इस वाट का आपको वैल्यू निकालना है। तो आप जानते हैं कैसे निकलता है, इसको ऐसे ऐसे करेंगे। यानी कि इधर वाट का जब वैल्यू होगा, वाट बराबर आपका हो जाएगा 64×13/4। इसका मतलब हुआ कि इस 4 को आप कटाइए, 64 को 16 बार, यानी कि 16 को 13 से गुना कीजिए। तो 16 × 3 = 48, हाथ में बचा 4, 16 × 1 = 16, 4 = 20, यानी कि 208। यहाँ पर क्या होगा, वाट के जगह पर होगा आपका 208। ठीक है, अगला चलते हैं फिर से। अगला सवाल आपका है 4:1, उसके बाद समान अनुपात है 8:6। देखिए, थोड़ा सा इस सवाल को पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिखा रहे हैं। थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा। देखिए, आप इसको ऐसे मिला सकते हैं। देखिए, 4 जो है यहाँ पे, ये 4 से 8, यानी कि 4 को 2 बार गुना किया है। तो यहाँ पे इस खाली जगह पे कितना होना चाहिए कि 6 हो जाएगा 2 बार गुने, यानी कि इसको इससे, यानी कि यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 3। क्या आ जाएगा यहाँ पे खाली जगह पे आपका आंसर आ जाएगा 3। यानी कि 3 रख के देख लीजिए, तो 4×8 = 3×6। तो आप ये निकालना समझ गए होंगे। देखिए, उस पहले सवाल में भी बना सकते हैं, आपको सिखाने के लिए ऐसे किया गया था। देखिए, 4 को 16 बार पढ़े हैं तो 64 आया है, तो 13 को 16 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा, ऐसे ही हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका कहता है 9 तथा 16 का माध्य अनुपात। आप पीछे थोड़ा सा बैक में जाइए, फ्लैश बैक में जाइए। आपने पढ़ा था 3 अनुपात जब होते थे, ए अनुपात, बी अनुपात, सी सतत अनुपात होता था, वहीं पर बोला गया था मध्य अनुपात। मध्य अनुपात का मतलब होता है बी। ठीक है, तो बी बराबर आपने पढ़ा है √AC। यानी कि जब भी आपको 2 संख्या दिया जाए, उसमें से किसी एक का बात किया जाए, आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये सतत अनुपात वाला बात कर रहा और ये 3 वाला बात कर रहा। ठीक है, तो 3 अनुपात में आपने पढ़ा था ए अनुपात, बी अनुपात, सी सतत होता है और मध्य मतलब होता है बी। तो आपने पढ़ा है B² बराबर होता है, बी बराबर √ होता है AC। ऐसा पढ़े हैं, इसका मतलब जो क्वेश्चन में दिया गया है वह है ए, एक है ए, क्वेश्चन में जो दिया गया है वह है आपका ए और दूसरा है आपका सी। तो वहाँ पे बैठाइए, ए और सी का जब वैल्यू बैठाइएगा तो बी बराबर आपका आएगा ए के जगह पे 9 और बी के जगह पे 16। आप जानते हैं इसका सॉल्यूशन कीजिएगा, 9 जब बाहर निकलेगा तो 3 और 16 जब बाहर निकलेगा तो 4, इसका मतलब 12 इस सवाल का आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्या है आपका, 4 और 6 का तृतीय अनुपात। देखिए, फिर से प्रथम अनुपात, द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात बोला गया है। तो देखिए कि 3 वाला बात बोला है, तो आपको सी का वैल्यू बताना है, यानी कि तृतीय अनुपात निकालना है।
तो देखिए आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, बी बराबर रूट अंडर ए सी। आप इससे पहले और भी इसको इधर जब लाते हैं तो ये होता है बी स्क्वायर बराबर ए सी। आपको सी का वैल्यू निकालना है तो सी मतलब हो जाएगा बी स्क्वायर बटा ए, इसका मतलब होगा सी। तो बी का वैल्यू यानी कि आपको ये बी सॉरी ये क्या है ए और बी, यानी कि जब भी सवाल में जो बोला जाए सीधा से आपको समझना है, पहला है ए दूसरा है बी। तो यानी कि ए के जगह पर लिखना आपको चार और बी के जगह पर कितना लिखना छः, तो छः का स्क्वायर यानी छः का स्क्वायर छत्तीस, छत्तीस बट्टा चार इसका मतलब कितना हुआ नौ, यानी कि सी का वैल्यू कितना आ गया नौ आ गया। ठीक है, तो इसके बाद आप अगला समझ चुके हैं, अगला क्या है, अगला देखिए ए अनुपात बी के बराबर दिया हुआ दो अनुपात तीन, बी अनुपात सी बराबर दिया हुआ चार अनुपात पाँच। तो पूछ रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी बताइए, ऐसा सवाल परीक्षा में आता है भाई, ध्यान से आप लोग पढ़िए। ठीक है, यानी कि जब भी आपको दिया रहे ए अनुपात बी अनुपात सी निकालने बोला जाए आप क्या कीजिए, दिए गए अनुपात को ऊपर नीचे लिखिए। देखिए ए अनुपात बी है तो ऐसे है दो अनुपात तीन, ऐसे लिख दिए, फिर उसके नीचे दूसरा लिखिए चार अनुपात पाँच। अब आपको ए बी सी में कन्वर्ट करना है, आप इसको ऐसे 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 यानी कि ऐसे तीर ले जाइए और एक दूसरे को गुना कर लीजिए, यानी कि दो चौके आठ, चार तिया बारह, पाँच तिया पंद्रह, यानी कि आठ अनुपात बारह अनुपात पंद्रह। एक बात आपको ध्यान देना है, जब कोई संख्या ये जब आंसर निकल जाए देखना है किसी संख्या से तीनों में पूरा पूरा भाग यदि लगता है तो उसको कटा देंगे और नहीं लगेगा तो नहीं कटेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे अगर तीन की बात करें तो इसमें इसमें कटता इसमें नहीं कटता, अगर दो की बात करें इसमें इसमें कटता इसमें नहीं कटता, किसी भी संख्या से अगर तीनों में कट जाएगा, जैसे अगर मान लीजिए एक है चार, दूसरा है बारह, तीसरा है सोलह, देखिए ये सब चार से कटेगा तो चार से इसको कटा के लिखेंगे एक अनुपात तीन अनुपात चार। ठीक है, इस बात को आप समझ गए हैं, जब भी ऐसा सवाल आए आपको ऐसे ही करना है। एक बार और ध्यान से देखते हैं कि जब भी ए अनुपात बी आए तो उसको लिखना है दो अनुपात तीन जो भी क्वेश्चन में रहेगा, चार अनुपात पाँच नीचे में लिखना है, उल्टा एन देखिए उल्टा एन के तरह आपको गुना कर देना है। ठीक है, तो गुना किए तो दो को चार से दो चौके आठ, चार को तीन से चार तिया बारह, फिर पाँच को तीन से तो पाँच तिया पंद्रह, ये आपका क्या हो गया ए अनुपात बी अनुपात सी निकल के आ गया। इसके बाद इसी प्रकार चार वाला बात कहेगा, यानी कि पहले देखिए ए बी और बी सी था तो आपको ए बी सी आया, अगला जो है ए बी बी सी सी डी रहेगा तो ए बी ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी आएगा। ठीक है, तो देखते हैं अगला, फिर से सेम उसी प्रकार क्या है ए अनुपात बी बराबर आपका एक अनुपात दो, तो लिखिए इसको एक अनुपात दो लिख दिए, बी अनुपात सी आपका क्या है तीन अनुपात चार लिख दिए, और सी अनुपात डी कितना है पाँच अनुपात छः। यह आपको पूछ रहा है कि आप बताइए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी क्या होगा। तो जैसे देखिए दो वाला में था तो दो को एक साथ आप गुना करते थे, दो फिर दो फिर दो, इसमें तीन वाला है तो तीन को हर बार तीन तीन को एक साथ गुना करेंगे, यानी कि देखिए यहाँ से यहाँ तक आए तीन हो गया तो तीनों को गुना कीजिए कितना होगा पाँच तिया पंद्रह, पंद्रह हो गया, फिर अनुपात डालिए, फिर एक अंक छोड़िए फिर तीन का गुना कीजिए, तो देखिए यहाँ से जब आप आइएगा ऐसे तो दो हुआ, फिर यहाँ जाना पड़ेगा यानी कि यहाँ से आए यहाँ गए, यानी कि पाँच तिया पंद्रह दुनी तीस अनुपात। फिर से अगला क्या होगा, फिर देखिए एक अंक छोड़ के यहाँ से जाइएगा तो यहाँ से जाना पड़ेगा यहाँ और आना पड़ेगा यहाँ। ठीक है, यानी कि पाँच दुनी दस चौके चालीस, अब फिर आपका जब एक अंक ये छोड़िएगा तो यहाँ से आना पड़ेगा यहाँ तक, यानी कि क्या हो गया
चार दूनी आठ, छके 48। तो देखिए अब जो है यह इसका आंसर हुआ कि नहीं, इसके लिए आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। कोई ऐसी संख्या है जो इस सब को काटता हो? तो ऐसा कोई संख्या नहीं है, ठीक है। यानी कि 15 देखिए तीन से कटेगा, ये भी तीन से कटेगा, ये भी तीन से, लेकिन ये नहीं तीन से कटेगा। दो से देखिए ये कटेगा, ये कटेगा, नहीं कटेगा। इसका मतलब यही आपका आंसर हो गया ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी कितना आ गया? 15 अनुपात 30 अनुपात 40 अनुपात 80 आ गया, ठीक है, समझ चुके हैं। तो अभी आपने सीखा कि सीधा सीधा अनुपात दिया रहता था तो आप उसको ए बी अनुपात बी अनुपात सी में निकाल लेते थे, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकाल। अब देखिए कुछ अनुपात ऐसे होंगे जो इन्वर्स होंगे, माने कि उल्टा होगा। तो देखिए देखते हैं, जैसे देखिए x बराबर है 1/3, y बराबर है 5/6 और z बराबर है 7/9, और वह पूछ रहा है x y z का अनुपात निकालिए, x अनुपात y अनुपात z। तो ऐसे सवाल में आपको करना क्या है, देखिए ये लिखा हुआ x, y और z आपको निकालना है। तो x के नीचे x वाला पहले लिख दीजिए, यानी कि 1/3 लिखिए, अनुपात लिखते जाइए, फिर 5/6, फिर 7/9। जब ये बटा वाला टाइप अगर आपको बोले, यानी किसी सीधा सीधा संख्या का बटा वाला अगर आपको दिख रहा है, तो इसको सीधा अनुपात में करने के लिए आप जो हर है माने नीचे में डिनोमिनेटर है, उस डिनोमिनेटर का आप लीजिए एलसीएम। एलसीएम लेना बहुत आसान है, आपको सिखाया जाएगा आगे, कुछ भी नहीं, बस चुटकियों में ऐसे करेंगे एलसीएम होगा। जैसे देखिए आपको दिख रहा है 3, 6 और 9, 3, 6 और 9 का LCM, आप इसमें देखिए सबसे बड़ा वाला पारा पढ़िए, सबसे बड़ा कौन है? 3, 6 और 9 में 9, तो 9 का पारा पढ़ेंगे और LCM हो जाएगा। तो 9 एकम 9, 9 देखिए यहाँ है, यहाँ है, यहाँ नहीं, इसलिए 9 इसका LCM नहीं है। 9 दुनिया 18, तो 9 में भी है, 6 में भी है और 3 में भी है, इसलिए 18 इसका हो गया LCM। सभी में आप 18 से कर दीजिए मल्टीप्लाई और इसको कटा दीजिए, आपका हो जाएगा आंसर। तो देखिए 3 को 18 कटाएंगे आएगा 6, 6 को 18 कटाएंगे आएगा 3, 9 को 18 कटाएंगे 2, यानी कि ये हो गया 6 अनुपात 5 = 15 अनुपात 7 × 14। अब किसी से नहीं कट रहा, इसका मतलब यही हो गया x अनुपात y अनुपात z, ठीक है। तो बात समझ गए हैं, अगला फिर देखते हैं। अगले टाइप में आपका देखिए फिर से है ए अनुपात, ए बराबर आपका कुछ दिया गया है, तो यह भी बहुत हल्का है। जैसे देखिए आपको दिया गया है ए बराबर है 3/5 बी, और बिल्कुल हल्का, यह पूछ रहा ए अनुपात बी। आप कुछ मत देखिए, आप सीधा इधर से बी को इधर लाइए, यानी कि ए बटा बी इसका मतलब हुआ 3/5। देखिए बटा वाला को ही आप लोग अनुपात बोलते हैं, इसको बोलते हैं ए अनुपात बी, बराबर हो गया 3/5। समझने में कोई तकलीफ? यदि आपको तकलीफ हो तो आप मेरे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7717797745, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। और लाइक तो ज़रूर करें, इससे हमारा उत्साह बढ़ता है, ताकि हम अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लेके आ सके। आगे बढ़ते हैं, ये समझ गए हैं आप लोग। आगे फिर से उसी प्रकार से है 9 नंबर सवाल, 1/4a, ऐसे लिखा हुआ है 1/4a बराबर है 1/6b। फिर से इसमें पूछा गया है a अनुपात b, तो आपको करना क्या है, इसको लाना है नीचे, यानी कि देखिए इसका मतलब ऐसे हुआ a बटा 4 बराबर हुआ b/6। आपको इसको इधर आप जानते हैं, अभी जाने थे ऐसे और ऐसे गुना करना, यानी कि ये b आएगा ऐसे, ये जाएगा ऐसे। तो देखिए आप इस 6 को इधर मत ले, फिर आप पड़ जाइएगा दिक्कत में, यानी कि आपको a b को एक साथ रखना, अंक को एक साथ रखना है, इसलिए इसको नीचे ले जाइए, इसको उधर ले जाइए, यानी कि a
बटा बी बराबर होगा 4/6। देखिए इसका मतलब हुआ ए अनुपात बी बराबर आ गया 4:6। अब देखिए आपको ध्यान से देखना है, अनुपात का आंसर देने में आप गलती नहीं करेंगे, जब भी आपको देना है तो उसको कटाने के बाद देना है। देखिए 4 और 6 कट रहा है, यानी कि 2 कहाँ से कटाएंगे, 2:3। अब एक बात और ध्यान से देखिए, जब भी आप इस सवाल को बनाइएगा तो आपका आंसर आया है 2:3। जब आप आंसर लगाने जाइएगा तो पहला ही ऑप्शन आपको मिलेगा 3:2। आप गलती से 3:2 मार दीजिएगा, हो जाएगा गलत। कभी भी अनुपात जैसे पूछा है ए अनुपात बी, तो पहले ए वाला और बाद में बी वाला, तो देखिए ए के बिरा 2 है और बी के बिरा 3, इसलिए इसका आंसर होगा 2:3 और 3:2 नहीं हो सकता है। ठीक है, तो समझ चुके हैं। फिर से अगला एक और नए टाइप का सवाल है, देखते हैं। फिर से आपको दिया जाएगा ए अनुपात बी, फिर बी अनुपात सी और सी अनुपात डी, ऐसा करके कुछ भी दिया जाएगा। तो देखिए आपको एक सवाल दिया है ए अनुपात बी बराबर है 2:3, फिर है बी अनुपात सी बराबर 3:4। आपसे देखिए अब ए अनुपात बी अनुपात सी नहीं पूछ रहा है, और नहीं पूछ रहा है आपसे, पूछ क्या रहा है ए अनुपात सी बताइए। तो ए और सी फर्स्ट और अंतिम बता रहा है, तो आप अगर लग जाइएगा ऐसे करके करने में, थोड़ा टाइम आपको लग जाएगा, उससे अच्छा है उस टाइम को खपाने के लिए, आप टाइम को कम करने के लिए क्या कीजिएगा, जब भी आपको फर्स्ट और लास्ट वाला पूछे तो आप जो अनुपात दिया है उसको कर दीजिए गुना, यानी कि 2/3 × 3/4। इसको जब आप कटाइएगा 3 से 3 कट गया और 2 × 1 = 2, यानी कि 1:2, ये हो गया ए अनुपात सी। आपको बीच वाला से कोई मतलब ही नहीं है, जब वह बी पूछता तब हम ऐसे करके ऐसे करते, ठीक है, उल्टा एन वाला बात करते, यहाँ पे नहीं पूछा तो ये ऐसे ही हम लोग कर दिए। फिर से इस प्रकार दूसरा भी हो सकता है, तो दूसरा क्या है फिर से देखते हैं। दूसरा आपका है ए अनुपात बी बराबर है 2/5, बी अनुपात सी बराबर है 10/7, और फिर से आपका सी अनुपात डी बराबर 14/13। तो आपको निकालना फिर से इसमें है ए अनुपात डी, तो क्या ध्यान देना है, देखिए फर्स्ट में इसमें होता है ए और लास्ट में जो है तो डी है, तो फर्स्ट और लास्ट जब निकालना होगा तो आपको कुछ ऐसे करके उल्टा एन वाला बात नहीं करना है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो आप क्या करेंगे, ए और डी का बात करेंगे तो आप क्या जानते हैं, सभी को कर देंगे गुना, 2/5 × 10/7 और 14/13। इसको कटाइएगा आपका हो जाएगा आंसर, इसको कटाएंगे तो 7 से 2 बार में, 5 से 2 बार में, सब मिला कितना आ गया 8/13, इसी को कहते हैं 8:13। तो समझ में आ गया होगा आपको ए अनुपात डी। एक लास्ट सवाल है आज के लिए, आगे अभी और भी है, एक सवाल आपको ध्यान से देखना है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात दिया गया है, यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी आपका दिया गया है 5:3:4, 5:3:4, और यहीं पर दिया गया है बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर आपका दिया गया है 9:12:7। आपसे पूछ रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर व्हाट, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, ध्यान देना, देखिए अब आपको क्वेश्चन मिला, आप बनाने में लग जाइएगा, उल्टा एन देखिए सेट नहीं हो रहा, आप ध्यान से समझिए, आपको देखना क्या, देखिए इसमें ए और डी ही अलग है, देखिए बी और सी क्या है, इसमें भी है इसमें भी है, यानी कि एक बार बी को जो बोल दिए हर जगह बी वही का वही होगा। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप
ऐसे जब सवाल आएगा आप परेशान ना होइए, कुछ ना कुछ अच्छा वाला बात रहता है। देखिए बी के जगह पे बी, तो इसमें बी के जगह पे कितना है 3, और इसमें बी के जगह पे 9, इसमें सी के जगह पे 4, इसमें सी के जगह पे 12। तो देखिए एक ऐसा संख्या ढूंढिए जो दोनों में कॉमन आ जाएगा। जैसे देखिए इस 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा, 4 को 3 से गुना करेंगे तो 12 होगा। इसका मतलब है कि इस पूरे में हम 3 से गुना कर देंगे तो बी और सी मिल जाएगा सेम। तो इसमें 3 से गुना कर दीजिए, 3 से इसमें, 3 से इसमें, 3 से इसमें, तो आपका 5 को 3 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 15, 3 को 3 से गुना कीजिएगा तो 9, और 4 को 3 से गुना कीजिएगा 12। और बाकी इसने देखिए यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 7 है। इसका मतलब ए और ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये हो गया ए, यानी कि ए अनुपात बी अनुपात, ए अनुपात बी अनुपात, सी अनुपात डी आपका आ गया 15 अनुपात 9 अनुपात 12 अनुपात 7। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। आगे और भी बचा हुआ है लैंग्वेज वाला सवाल, आप चिंता ना करें, अभी आपको और भी अच्छे अच्छे सवाल बताए जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, और आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, बाय बाय।